नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने थंबनेल देख लिया होगा कि जो गाड़ियों पर, जो ये ट्रक्स पर गाड़ियों पर नंबर लिखे होते हैं, जैसे 407, 912, 1613, जो ये नंबर लिखे होते हैं ट्रक्स पर, इनका दोस्तों मतलब क्या होता है। कई लोग जो है ट्रक्स को नंबर्स के हिसाब से जानते हैं, तो इनका मतलब होता क्या है, चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो नंबर होते हैं ट्रक्स और टिपर पर, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक 3 डिजिट में और एक 4 डिजिट में, ठीक है। तो दोस्तों, फर्स्ट मैं 3 डिजिट वाले में आपको बता देता हूँ कि जो पहले का जो नंबर होगा, ये आपको दिखाएगा दोस्तों ट्रक्स का लोडिंग कैपेसिटी, ओके। और जो बाद का डिजिट होगा दोस्तों, ये दिखाएगा ट्रक का BHP, ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है, कि जो इंजन का हॉर्स पावर कितना है, इस ट्रक्स में कितने हॉर्स पावर का इंजन यूज हो रहा है, ठीक है। दोस्तों, फर्स्ट हम 3 डिजिट वाले का एग्जाम्पल लेते हैं, टाटा का 407 ट्रक जो है, 407 गोल्ड जो है ट्रक, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसका देखते हैं दोस्तों, चार जो ये आगे से लिखा हुआ है ना, इसका चार, इस चार को आपने क्या करना है, 1000 kg से इंटू कर देना है। 1000 से अगर आप इसको इंटू करोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 4000, ठीक है, 4000 kg आएगा, ठीक है। ये 4000 kg मतलब 4 टन इसकी लोडिंग कैपेसिटी है दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद अगर आप इस 0 को छोड़ दोगे, इस और इस 7 को आपने क्या करना है, 10 से इंटू कर लेना है, ठीक है। 10 से आप इसको जब गुणा करोगे तो ये क्या आएगा, 70, 70 HP का जो इसमें इंजन यूज हो रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो समझ आ रहा है आपको तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए 4 डिजिट वाले का हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, हम 1613 का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, टाटा 1613 टिप्पर जो है, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे आप, जो आगे के 2 डिजिट है ना, ये 16 जो ही दिखाएगा इसमें, ये इसके दिखाएगा ट्रक्स की लोडिंग कैपेसिटी, ठीक है, लोडिंग कैपेसिटी ये दिखाएगा, मतलब इस 16 को आपने 1000 से इंटू कर देना है, तो ये आ जाएगा 16000 kg, ठीक है। तो इसका मतलब 16 टन जो है इसकी लोडिंग कैपेसिटी। ध्यान रहे दोस्तों, जो ये 16 टन में क्या हो रहा है, गाड़ी का पूरा वेट भी इसी में इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, 16 टन मिलाकर इसमें ये लोड ले सकते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद जो ये 13 जो दिखाएगा, इस 13 को आपने फिर क्या है, 10 से इंटू कर देना है, तो ये क्या दिखाएगा दोस्तों, 130 HP का इसमें इंजन यूज हो रहा है इस ट्रक में। दोस्तों, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।